हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि फीडबैक डिवाइस और एक्चुएटर के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट शुरू से हमारे छोटे से चैनल को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहा करिए, लाइक किया करिए, कमेंट्स किया करिए, क्योंकि अभी और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि जैसा आप बोलते हैं, जो भी कंटेंट, जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए होता है, उस तरह का कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके होते हैं वो डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आगे भी ऐसे ही रहेगा, बस अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। अब देखिए, हम जो चैप्टर नंबर 4 अब हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 क्या है? सिस्टम डिवाइसेस। सिस्टम डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है? तो सिस्टम डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो हमें फीडबैक प्रोवाइड कराती है। फीडबैक यानी कि हमें पूरी जानकारी देती है कि हमारा ऑपरेशन कैसा चल रहा है, हमारा कार्य जो है वो किस तरह से चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उसमें जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? वो सारी इंफॉर्मेशन हमें फीडबैक डिवाइसेस से मिलती है। बच्चों, अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि भैया हमने क्या है, एक मशीन परचेस की। अब हम चाहते हैं कि एक ही मशीन हमारा बहुत सारा काम करे, बहुत तरह के ऑपरेशन करे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सपोज एक 50 लाख की मशीन खरीदी, अब वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, अब आपको दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो आप 50 लाख रुपए और इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी और आपका प्रॉफिट उतना नहीं आ पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही मशीन हमारे कई प्रकार के ऑपरेशन करके दे, एक ही मशीन ड्रिलिंग भी कर दे, एक ही मशीन ग्राइंडिंग भी कर दे, एक ही मशीन मिलिंग भी कर दे। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम को भी बचाना है, हमें कॉस्ट को भी बचाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ प्रोग्राम को चेंज करें और प्रोग्राम को चेंज करके हमारा ऑपरेशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिस्टम डिवाइसेस के बारे में पढ़ा इसमें। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सिस्टम डिवाइसेस क्या है, प्रणाली उपकरण। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रणाली उपकरण। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें हमें पढ़ना है एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स, टैकोमीटर, एलवीडीटी, ऑप्टो इंटरप्टर्स, पोटेंशियोमीटर लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए, एनकोडर, डिकोडर, एक्सिस ड्राइव्स, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्चुएटर्स के बारे में, ओपन लूप के बारे में, क्लोज लूप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर्स, सेंसर्स के बारे में। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक्चुएटर अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि हमें इसके टाइप्स भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन लूप, क्लोज लूप। ओपन लूप, क्लोज लूप मैं इस लेक्चर में भी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर किसी को और भी पढ़ना है तो वो लेक्चर नंबर 10 सीएनसी का देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ओपन लूप और क्लोज लूप पढ़ाया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो मशीन्स थी उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, यानी कि उनको बांटा किस बेसिस पे, कुछ मापदंडों के अनुसार। ठीक है, अब जैसे कि वो कौन कौन से मापदंड थे, वो थे फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप, यानी कि प्रतिक्रिया नियंत्रण। अब उसमें खुला लूप भी आ जाता है और बंद लूप भी आ जाता है। उसके बाद मोशन कंट्रोल के बेसिस पे, मोशन कंट्रोल में क्या आया, पोजिशनल आया, पैराएक्सियल आया और कॉन्टिन्यूस पाथ आया, यानी कि पोजिशनल, पैराएक्सियल और नियंत्रण पथ। ये तीन चीजों के बारे में हमने कैसे, कहां से इसको डिवाइड किया, मोशन कंट्रोल से इसको डिवाइड किया। तीसरा आता है पावर ड्राइव। पावर ड्राइव हमारी हाइड्रोलिक भी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है और न्यूमेटिक भी होती है। पावर ड्राइव बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी मोशन को जनरेट करने के लिए। ठीक है, मोशन देने के लिए, तो वो हाइड्रोलिक भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो न्यूमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे इनके बारे में डीप पढ़ जाएंगे। सर्किट टेक्नोलॉजी, इसमें एनालॉग और डिजिटल, सर्किट प्रौद्योगिकी होती है उसको हमने एनालॉग और डिजिटल के बेसिस पे हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया। अब आता है हमारा फिफ्थ, पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग सिस्टम हमारा दो होता है, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। ठीक है, निरपेक्ष और वृद्धिशील। उसके बाद हमारे एक्सेस आइडेंटिफिकेशन आते हैं, 2 एक्सेस, 3 एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस। ठीक है, दो अक्ष,
तीन अक्ष, चार अक्ष और पांच अक्ष। तो हमने इन इनके बेसिस पे क्या किया, इन मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया किसको, मशीन्स को, कि हमें ये चीजें हमारी मशीन में अगर लग जाएं तो हमारी मशीन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो हमने बहुत सारी डिवाइसेस एक मशीन में लगा दी ताकि हमारी एक ही मशीन बहुत सारे काम कर पाए। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा था, ठीक है, वो सिस्टम है जो क्या करता है, हमें फीडबैक देता है। फीडबैक सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, फीडबैक कंट्रोल पढ़ने वाले, प्रतिक्रिया नियंत्रण पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिक्रिया नियंत्रण क्या करता है, हमें फीडबैक प्रोवाइड कराता है कि हमारी मशीन में जो भी कार्य हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी इसके सब टाइप नहीं पढ़ा रहा, ओपन लूप क्लोज लूप, अभी सिर्फ फीडबैक कंट्रोल बता रहा हूं वो क्या है, ठीक है, हमारी वर्किंग किस प्रकार चल रही है, हमारे ऑपरेशंस किस प्रकार चल रहे हैं। अब हमने देखो इसके बारे में पढ़ो पहले थोड़ा सा, जो बुकिश लैंग्वेज है वो पढ़नी भी बहुत जरूरी होती है, आपको डेफिनेशन का पता चलता है, ठीक है, परिभाषा का पता चलता है, और हमें कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, उससे क्या होता है वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। तो दोनों ही काम साथ साथ कर रहे हैं। अब सीएनसी मशीन में क्या है, फिजिबल फ्रॉम कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू रिलेट द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। इसको यहां से समझो, टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ अ मशीन स्लाइड अ ग्रुप इलेक्ट्रोमैकेनिकल न्यूमेटिक हाइड्रोलिक कॉम्पोनेंट्स आर यूज्ड विच आर कलेक्टिवली नोन एज सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम द डाटा हैंडलिंग इक्विपमेंट इज पास थ्रू सेपरेट चैनल्स टू सर्वो सिस्टम विच इन टर्न ड्राइव द मशीन स्लाइड, ठीक है। क्या किया गया है कि एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिकली भी कंट्रोल किया जा रहा है, न्यूमेटिकली भी कंट्रोल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकली भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। उसमें सर्वो मैकेनिज्म भी लगाए जा रहे हैं, किसी में सर्वो मोटर लगाया जाता है, किसी में स्टेप अप मोटर लगाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स हम पढ़ेंगे इसमें वो। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स है, ठीक है। सीएनसी मशीनों में किसी विशेष चर के व्यवहार को एक संबंधित चर से संबंधित करने के दृष्टिकोण को नियंत्रण करने से संभव है, ठीक है। ये संभव है कि आप एक मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस लगा के, ठीक है। वही हम क्या करते हैं सीएनसी में करते हैं। सीएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो हम प्रोग्राम की सहायता से उसको कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन हमारे हो रहे हैं उनको एक प्रोग्राम की सहायता से कंट्रोल किया जा रहा है। अब देखो इसको हमने दो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैसे, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। प्रतिक्रिया नियंत्रण पर आधारित इस सर्वो प्रणाली को का निर्माण दो तरीकों से किया जा सकता है, पहला ओपन लूप सिस्टम, दूसरा क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा खुला लूप होता है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसमें एक छोटी सी चीज समझो कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं होती, ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो प्रोसेस है उसमें आपका जो ऑपरेशन है उसमें क्या चल रहा है। तो कोई भी फीडबैक डिवाइस इसमें नहीं होती है, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होती जो एक्चुअल पोजीशन बता दे, एक्चुअल पोजीशन बता दे आपके टूल की और आपके वर्कपीस की। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता जो कंपेयर कर दे एक्चुअल पोजीशन कटिंग टूल की और वर्कपीस की, कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा प्रोविजन इसमें नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको पढ़िए, ए कंट्रोल सिस्टम इन विच द फाइनल आउटपुट वैल्यू इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड एंड चेक्ड अगेंस्ट द डिजायर्ड वैल्यू इज नोन एज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। द फाइनल वैल्यू में हाउएवर बी इम्प्लिसिटी नोन प्रोवाइडिंग देयर हैज बीन नो मैलफंक्शन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक नियंत्रण प्रणाली जिसमें अंतिम आउटपुट मूल्य सीधे मापा नहीं जाता है और वांछित मूल्य के खिलाफ जांच की जाती है, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। हालांकि अंतिम मूल्य को स्पष्ट रूप से ज्ञात किया जा सकता है बशर्ते कोई खराबी ना हो। मेरे हाथ भी काले हो गए, इंक लगी हुई है, इंक तो हमारे हाथों पर पूरे दिन लगी रहती है, पूरे दिन मार्कर्स हाथ में रहते हैं तो लगी रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आया हो। सिर्फ इतना समझिए कि इसमें कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं लगी होती जहां से आपको फीडबैक मिले। तो अब आप समझ रहे होंगे सीएनसी में कौन सी लूप सिस्टम आप इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लोज लूप सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें हमें फीडबैक चाहिए। अब देखिए
इसको समझिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, देयर इज नो फीडबैक डिवाइस टू मेजर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ टूल्स लाइट और वर्क टेबल, हेंस इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड एंड वेरीफाइड विद द पोजिशनल वैल्यू गिवन इन कमांड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में टूल्स लाइट या वर्क टेबल की वास्तविक स्थिति को मापने के लिए कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसलिए कमांड में दिए गए पोजिशनल वैल्यू के साथ इसकी तुलना और सत्यापन नहीं किया जा सकता। तो हमें नहीं पता होता ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कि हमारी जो टूल स्लाइड है, जो वर्क टेबल है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। यह हमें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका एक छोटा सा डायग्राम है कि यह क्या है, यहां पर डिजायर्ड इनपुट है, जो हमने इनपुट दिया, यहां एक कंट्रोलर लगा हुआ है, इधर पूरा प्रोसेस हुआ है इनपुट का, इधर प्रोसेस हुई है और आउटपुट हो गया, लेकिन कोई भी फीडबैक हमें नहीं पता चल रहा, इसमें कोई फीडबैक डिवाइस नहीं लगी हुई है। देखिए सिंपल सा डायग्राम है, ऐसे ही क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डायग्राम अभी आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा इन दोनों डायग्राम्स का डिफरेंस कि इसमें कोई भी फीडबैक डिवाइस अवेलेबल नहीं है। आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी फीडबैक नहीं पता चल रहा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं क्लोज लूप। तो क्लोज लूप क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें फीडबैक डिवाइस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि हम कंपेयर कर सकें किसमें, एक्चुअल पोजीशन टूल की और वर्क पीस की। हम पता कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल पोजीशन जो टूल की है और जो वर्क पीस की है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये अगर हमें ये पता चल जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और इसमें सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो ओपन लूप सिस्टम है उसमें कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें हमारा कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेपर मोटर। क्लोज लूप में हमारा कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्वो मोटर। अब पढ़िए इसको, व्हेन द कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स अ फीडबैक लूप देन द सिस्टम्स नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम सो दैट द आउटपुट कैन बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द इनपुट। अब हमें अगर ये पता चल गया कि हमें आउटपुट कैसा मिलने वाला है तो जाहिर सी बात है हम इनपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन पता किससे लगेगा, किस डिवाइस से पता लगेगा, फीडबैक डिवाइस से पता चलेगा। तो आपके अगर लूप में फीडबैक डिवाइस लगी हुई है तो वो कौन सा लूप कहलाएगा, क्लोज लूप कहलाएगा, बंद लूप कहलाएगा। ठीक है, पढ़िए इसको एक बार फिर से, बंद लूप सिस्टम के साथ फीडबैक सर्व सिस्टम का उपयोग वास्तविक आउटपुट को निगरानी और वांछित और वास्तविक प्रदर्शन के बीच किसी भी विसंगत को ठीक करने के लिए किया जाता है। चंद लूप सिस्टम को एक मापने वाले डिवाइस से नियंत्रण इकाई को एक सिग्नल भेजा जाता है जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। अब देखिए नया वर्ड आ गया यहां पे, कौन सा, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर अभी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसड्यूसर, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर बस क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसड्यूसर। अभी पढ़ेंगे मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, सब पढ़ डालेंगे बड़े आसान तरीके से, दिखाऊंगा आपको ट्रांसड्यूसर कैसा होता है, सेंसर्स कैसे होते हैं, ट्रांसड्यूसर और सेंसर में क्या डिफरेंस होता है, सब पढ़ेंगे। तो ट्रांसड्यूसर इसमें आ जाता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर स्लाइड वेव से जुड़ा हुआ होता है, सिग्नल स्लाइड को वास्तविक गति और स्थिति को इंगित करता है, नियंत्रण इकाई स्लाइड की स्थिति को तब तक समायोजित करना जारी रखती है तब जब तक कि वह अपने गत्व पर नहीं पहुंच जाती है। यह प्रणाली का फीडबैक होता है, हालांकि ओपन लूप सिस्टम की तुलना में यह अधिक महंगा और जटिल होता है, लेकिन यह प्रणाली अधिक सटीक स्थिति देती है। इस प्रकार की प्रणाली के लिए सर्वो मोटर्स का उपयोग किया जाता है। तो भले ही महंगा है लेकिन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी तो बढ़ रही है ना, और जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ती है तो इंसान को देखो क्या चाहिए, इंसान को परफेक्शन चाहिए होता है। मैं सपोज इस मार्कर को बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि ये मार्कर ही बने, ये पेंसिल ना बन जाए। ठीक है, तो मुझे अगर मार्कर बनाना है, मुझे एक मार्कर की कंपनी बनानी है, तो वो मशीन कितनी भी महंगी हो, अगर मुझे एक सस्ते में पेंसिल बनाने की कंपनी मशीन मिल रही होगी तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे क्या बनाने हैं, मार्कर्स बनाने हैं। तो वो मशीन चाहे कितनी महंगी हो मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, उसी तरह से यह है कि अगर ये महंगा भी है तो क्या हुआ, सटीक तो है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब देखिए इसका डायग्राम,
अब इसका डायग्राम देखिए, इसमें फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है। हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था उसमें कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं लगी हुई थी, इसमें देखिए लगी हुई है। तो हमें फीडबैक मिलता रहता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें यह पता रहता है कि अगर हम हमारा जो आउटपुट है ये मिलने वाला, तो हम इनपुट को चेंज करते रहते हैं उस हिसाब से कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए, हमें मार्कर चाहिए, पेंसिल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इनपुट को चेंज कर देंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक आपका एक्चुएटर। एक्चुएटर को हिंदी में कार्यवाहक भी कहा जाता है। कार्यवाहक का मतलब होता है गति देने वाला, ठीक है, क्या मतलब होता है गति देने वाला, जो गति दे रहा है, मोशन दे रहा है, ठीक है, आपको मूव करा रहा है, वो कौन है एक्चुएटर है। ये लिखा एक्चुएटर जाता है लेकिन पढ़ा एक्चुएटर जाता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको एक्चुएटर पढ़ते हैं, एक्चुएटर। एक्चुएटर काम किस तरीके से करता है, एक्चुएटर रिसीव करता है सिग्नल को और कन्वर्ट करता है उसे मैकेनिकल मोशन में, ठीक है, इसको मूवर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मूवर, मूवर। जैसे मैंने क्या बताया इसको हिंदी में क्या बोला, गति देने वाला, ठीक है, कार्यवाहक। तो इसके बहुत सारे नाम है एक्चुएटर के, किसी भी नाम से पूछे आपको पता होना चाहिए, एक्चुएटर हो, मूवर हो, गति देने वाला हो, कार्यवाहक हो, सब कुछ क्या है एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर क्या काम कर रहा है, रिसीव कर रहा है सिग्नल को और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, मैकेनिकल मोशन में, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, अगर आपको एक्चुएटर चलाना है तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसे। वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है हाइड्रोलिक फ्लूइड, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है न्यूमेटिक, तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसको चलाने के लिए, एक मूवर को चलाने के लिए, एक एक्चुएटर को चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, एन एक्चुएटर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मोशन बाय कन्वर्टिंग एनर्जी एंड सिग्नल्स गोइंग इनटू द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर जो सिग्नल्स हैं, जो एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, और कन्वर्ट करके क्या दे रहा है, मोशन दे रहा है। वो क्या चीज है, कौन सी डिवाइस है, वो एक्चुएटर वो डिवाइस है, ठीक है। द मोशन इट प्रोड्यूसेस कैन बी आइदर रोटरी और लीनियर। तो ये जो एक्चुएटर जो मोशन देता है ये लीनियर भी हो सकता है और ये रोटरी भी हो सकता है, ठीक है, लीनियर रोटरी, ठीक है, ध्यान रखना, लीनियर रोटरी, लीनियर सेम डायरेक्शन में, रोटरी घुमाएगा, तो ये दोनों डायरेक्शन में हमें क्या दे सकता है, मोशन दे सकता है। एक एक्चुएटर एक उपकरण है जो सिस्टम में जाने वाली ऊर्जा और संकेतों को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करता है। ये जो गति पैदा करता है वह या तो रोटरी या रैखिक हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी दे सकता है। अब देखो एक्चुएटर दिखने में कैसा होता है वो एक बार देखिए, तो ये कौन सा एक्चुएटर है, सब बच्चे मुझे बताएंगे, ये लीनियर एक्चुएटर है बच्चों, ठीक है। देखो लीनियर डायरेक्शन में क्या दे रहा है, मुझे मोशन दे रहा है, इसको मिल रही होगी किसी फॉर्म में एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है मिल रही हो, ठीक है, जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है एक पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे यहां पे दिख रही है, इसमें वीजीए केबल हम लगा देंगे, वीजीए केबल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, और हमें कौन सी एनर्जी मिल रहा है, मोशन, लीनियर मोशन यहां पर मिल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का एक्चुएटर है। अब ऐसे ही देखो रोटरी मोशन किस तरह से काम करता है, रोटरी एक्चुएटर, जब हमें रोटरी मोशन मिल रहा है तो ये देखो इस तरह से हमें रोटरी मोशन मिल रहा है। ये दोनों ही टाइप के क्या है, एक्चुएटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के, और भी बहुत टाइप के एक्चुएटर्स आते हैं, अभी पढ़ेंगे सब लोग, सब एक टॉपिक हमारा आएगा क्या, टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, है ना, एक्चुएटर के प्रकार, तो उसमें हम सारे प्रकार के एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, लीनियर एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, मैकेनिकल एक्चुएटर्स पढ़ेंगे, सारे एक्चुएटर्स अभी पढ़ डालेंगे हम, और फिर हम इस जो लेक्चर है इसको एंड करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल एम पॉली पर मिल जाती है आपको, वहीं पर मैं सारी पीडीएफ अपलोड करता हूं, सेंड करता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़िए टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। तो एक्चुएटर के प्रकार देखिए, ये जो आप बोलते हैं ना कि सर लेक्चर डेली लाया करिए, इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है, ये सब मैं खुद ही बनाता हूं, मेरे पास कोई 50 लोगों की टीम नहीं है, ठीक है, मैं अकेला ही काम करता हूं, मैं लेक्चर अकेले बनाता हूं, मैं ये पीडीएफ अकेले बनाता हूं,
मैं इसको अपलोड अकेले करता हूँ, मैं एडिटिंग सारी अकेले करता हूँ, और दिन में मेरी क्लासेस भी रहती है, तो बहुत सारा काम मैं ये सब अकेले, मेरी कोई टीम नहीं है जिसके साथ मैं ये सब काम करूं या जिनसे मैं काम ये करवा सकूं, तो बहुत सारे काम रहते हैं इसमें। इसको एक छोटी सी पीपीटी बनाने में 3 घंटे भी लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं, तो ये सारे काम मेरे शाम के बाद ही स्टार्ट होते हैं, कभी कभी पूरी रात भी लगती है। ये छोटी सी पीपीटी जो आप देखते हैं इसमें पूरी पूरी रात लग जाती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको कैसे भी निकाल करके नहीं परोस सकते ना, है ना, आपको ऐसे नहीं कि बस निकाली और दे दी आपको कि लीजिए, वो चीज ठीक नहीं रहती है, तो बहुत सारी जगह से वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको ऐसे ही नहीं आपको सर्व कर दूंगा, बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, उस बहुत सारी मेहनत उसमें रहती है, तब जाकर के मैं आपको एक पीडीएफ पीपीटी की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, बच्चे नाराज हो जाते हैं मेरे से, कहते हैं सर आप तो डेली पढ़ाते ही नहीं, आप तो पता नहीं कोर्स कंप्लीट कराएंगे नहीं कराएंगे। अगर मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं कराना होगा तो मैं स्टार्ट ही क्यों करूंगा, मुझे किसी ने कहा है कि तुम आधा कोर्स स्टार्ट करो, नहीं कहा ना, ये तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना प्यार आप लोग का मिलता है, इतने मैसेजेस, इतनी कमेंट्स, बस यही मेरा मोटिवेशन है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कोई टीम नहीं है, यहाँ एक अकेला मैं हूं, तो वन मैन आर्मी हूं, तो वही काम अभी चल रहा है कि भाई सब कुछ खुद ही करना है और पढ़ाना भी खुद ही इन दी एंड। तो रात को मैं वेट करता हूं कि जो बाहर का शोर है वो सब बंद हो जाए, आपको शोर ना आए, क्योंकि अभी इतनी बड़ी डिवाइसेस मेरे पास नहीं है जो नॉइस कैंसिलेशन कर दें, बाहर की आवाज ही ना आए, तो बाहर कोई भी बोलेगा तो आवाज आती है, तो वेट करता हूं कि सब लोग सो जाएं, है ना, सारे नेबर सो जाएं, तब जाकर के एक लेक्चर आपका तैयार होता है। तो थोड़ा सा आप भी उस चीज की रेस्पेक्ट रखा करिए, आप लोग पेशेंस रखा करिए, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, बहुत उससे अच्छा लगता है, कमेंट्स किया करिए, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, तो एक्चुएटर के प्रकार, अब हमने बोला कि सबसे पहले हम कौन सा एक्चुएटर पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक, देन न्यूमेटिक, ये लिखा पी न्यूमेटिक जाता है लेकिन पढ़ा न्यूमेटिक जाता है, पी इसमें साइलेंट है, साइलेंट है लिखते क्यों है ये आज तक समझ में नहीं आया इंग्लिश का मुझे, कि अगर पढ़ना ही नहीं है तो उसको लिखना क्यों है। अब इसको कोई समझदार व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ेगा पी न्यूमेटिक, है ना, अब हम लोग उसे मना करेंगे नहीं 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 ये मत पढ़ना, ये साइलेंट है, चलो अब जैसा भी है न्यूमेटिक इसको पढ़ेंगे। 12 इलेक्ट्रिकल, लीनियर, थर्मल और मैग्नेटिक और मैकेनिकल, तो ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोलिक मोटर से जो है वो काम करते हैं, या फिर एक तरह के सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको पता है कि हाइड्रोलिक में फ्लूइड का इस्तेमाल भी किया जाता है, तभी हमें हाइड्रोलिक एनर्जी मिलती है। तो देखो हाइड्रोलिक एक्चुएटर में एक सिलेंडर या हाइड्रोलिक मोटर होती है जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करता है, यांत्रिक गति रैखिक घूर्णी या दोलनशील गति के संदर्भ में एक आउटपुट देती है। अब देखिए आउटपुट तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको लीनियर लीजिए या आप उसको रोटरी लीजिए, वो तो आपके ऊपर है आप किस तरह से उस चीज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल क्या है, बहुत ब्रॉड चीज है। आपने क्या किया, दो गियर्स जोड़े, ठीक है, अब गियर्स आपने ऊपर नीचे जोड़ दिए तो अलग तरह का मोशन मिल रहा है, आपने आमने सामने जोड़ दिए अलग तरह का मोशन मिल रहा है, तो वो तो आपके ऊपर है कि आप कॉम्पोनेंट्स को किस प्रकार से सेट कर रहे हैं, आपको किस प्रकार का मोशन चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोलिक सिलेंडर एक खोखली बेलनाकार ट्यूब होती है जिसके साथ एक पिस्टन स्लाइड करता है, एकल एक्टिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब द्रव दबाव एक दबाव पिस्टन के सिर्फ एक तरफ लगाया जाता है, तो जब एक तरफ पिस्टन के दबाव लग रहा है तो वो कौन सा है, वो सिंगल एक्टिंग कहलाता है, सिंगल एक्टिंग, ठीक है, अब वो वाली एक्टिंग नहीं जो पिक्चर में होती है, सिंगल एक्टिंग यानी कि एक तरफ दबाव लग रहा है, और जब दोनों तरफ दबाव लगता है सिलेंडर के तो मतलब है कि डबल एक्टिंग, तो वही चीज ये लिखी हुई है। जब एक स्प्रिंग जिसे अक्सर पिस्टन को रिटर्न स्ट्रोक देने के लिए उपयोग किया जाता है, डबल एक्टिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब पिस्टन के प्रत्येक तरफ दबाव डाला जाता है, पिस्टन के दो किनारों के बीच बल में कोई अंतर पिस्टन को एक तरफ या दूसरी तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसमें काफी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज ऊपर गई है उसको वापस भी तो लाना ना, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी में शॉकर्स लगे होते हैं, शॉकर्स किस लिए होते हैं, शॉकर भी होता है उसके साथ एक स्प्रिंग भी होता है। शॉकर क्या करता है, हमारे जो
शॉक एब्जॉर्बर्स जो झटके होते हैं उसको कम करता है। तो जितनी स्पीड से आपकी गाड़ी ऊपर गई उतनी स्पीड से नीचे भी आनी है, जितनी स्पीड से नीचे दबी गड्ढे में अगर गाड़ी गई नीचे गई तो उतनी आराम आराम से ऊपर आनी है, ये नहीं उसको उछाल दिया ठीक है आप लोग गए ऊपर सर टकरा गया। तो ये बहुत सारी चीजें का एक कॉम्बिनेशन बना के मशीन में फिट किया जाता है ताकि ह्यूमन कंफर्ट को बढ़ाया जा सके ठीक है। अब देखो इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, ए हाइड्रोलिक एक्चुएटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर दैट यूजेस हाइड्रोलिक पावर टू फैसिलिटेट मैकेनिकल ऑपरेशन, मैकेनिकल मोशन गिव्स एन आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लीनियर रोटेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। ए हाइड्रोलिक सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब अलोंग विद पिस्टन स्लाइड्स। तो बहुत सारी चीजें कि हाइड्रोलिक एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके साथ एक पिस्टन भी मूव कर रहा है, तो इस तरह से एक अरेंजमेंट बनाया जाता है किसका, हाइड्रोलिक एक्चुएटर का। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर में अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका मोर देन सफिशियंट ये हो जाएगा, काफी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर यानी कि वायवीय एक्चुएटर, वायवीय एक्चुएटर। अब वायवीय एक्चुएटर क्या है कि ये क्या है ना सबसे सरल और काफी पावरफुल होता है, सिंपलेस्ट होता है और काफी पावरफुल जो है ये एक्चुएटर की कैटेगरी में आता है जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं। तो वायवीय एक्चुएटर अक्सर सबसे प्रभावी और सभी एक्चुएटर में सबसे सरल माना जाता है। वायवीय एक्चुएटर्स बलों को अपेक्षाकृत छोटे दबाव परिवर्तनों में उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। वायवीय ऊर्जा मुख्य इंजन नियंत्रण के लिए वांछनीय है क्योंकि ये शुरू करने और रोकने में जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकता है ठीक है। आपने देखा होगा न्यूमेटिक्स बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है, न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स में नहीं, न्यूमेटिक्स बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यूमेटिक्स बसों के गेट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखते हैं जो दिल्ली में डीएमआरसी की बसेस चलती है ना ब्लू रेड येलो, उनके जो गेट्स है वो न्यूमेटिकली कंट्रोल है, न्यूमेटिक्स है सब में गेट में, वो सब कैसे हवा से सब कंट्रोल किया जा रहा है। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी है। तो उसी तरह न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी से एक एक्चुएटर भी बनाया जाता है जो एक्चुएटर क्या करता है काफी चीजों को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा का इस्तेमाल करता है, काफी पावरफुल होता है और सिंपल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक, इसके बारे में इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा देन हम इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव एंड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एक्चुएटर्स ठीक है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स इनेबल्स फोर्सेस टू बी जनरेटेड फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल प्रेशर चेंजेस। न्यूमेटिक पावर इज डिजायरेबल फॉर मेन इंजन कंट्रोल एज इट कैन रिएक्ट क्विकली टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एज द पावर सोर्स डज नॉट नीड टू बी केप्ट इन रिजर्व फॉर ऑपरेशन। तो ये बहुत जल्दी से काम भी कर सकता है, बहुत जल्दी रुक भी सकता है, ऐसा नहीं धीरे 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 रुकेगा, नहीं जहां रोकना है आपको वहीं मतलब एकदम से वहां क्विकली वहां पे स्टॉप कर जाएगा। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स ये की क्या है एक खासियत ये कह सकते हैं आप होती है। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं कि यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ठीक है मूव करने में, इनका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है, खींचने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को धक्का देने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स, विद्युत एक्चुएटर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर एक सौदी रेखा में मूवमेंट को सक्षम करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो उस चीज के लिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ी सी मेरी भी हिंदी कमजोर है क्योंकि मैंने भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा है तो इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, हिंदी में आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं वो चीज आपके साथ ना हो, और टेक्निकल वर्ड को कोशिश करा करिए कि आप उसको इंग्लिश में ही याद करें। अब देखो वे बिजली के सिग्नल्स के आधार पर पिस्टन को आगे और पीछे ले जाकर काम करते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर खींचने, धक्का देने, अवरुद्ध करने, उठाने, बाहर निकालने या क्लैंपिंग या अवरोधों जैसे मूवमेंट के लिए किया जाता है ठीक है। 1960 के बाद थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसमें डाल दी, 1960 के बाद कई एक्चुएटर तकनीकी विकसित की गई है। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है ठीक है। तो काफी तरह के एक्चुएटर्स अब तो आ गए हैं, 1960 के बाद बहुत एक्चुएटर्स आए, हाइड्रोलिक आ गया, न्यूमेटिक आ गया है ना, अब ये इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल आया और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक आया। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर। तो ये एक यांत्रिक पट्टी या पेज के माध्यम से अनुरोध रेखिक गति के उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिक रोटरी मोटर के घर्ण बल को एक रेखिक गति में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है रिपल्सिव फोर्स को लीनियर मोशन में।
रिपल्सिव फोर्स को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस तरह के जो एक्चुएटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स बोलते हैं। तो ये देखो वही चीज लिखी हुई है, इट कन्वर्ट्स द रिपल्सिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक रोटरी मोटर इनटू अ लीनियर मोशन टू जनरेट द रिक्वेस्टेड लीनियर मोशन बाय मींस ऑफ ए मैकेनिकल पुली और स्क्रू। तो मैकेनिकल पुली की हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से, आप देखो अब सपोज ये आपने लगाया, अब ये घूम रहा है, अब मैं इसको यहां रोटरी मोशन दे रहा हूं, घूम रहा है लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, तो मैंने यहां पे क्या दिया, रोटरी मोशन, और आपको कौन सा मिल रहा है, लीनियर मोशन मिल रहा है। तो उसी तरह से ये काम करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर। स्क्रू, पेच, पेच को आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, आपने घुमाना स्टार्ट किया लेकिन वो आपके घुमाने की वजह से क्या हो रहा है, पेच अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो जो अंदर की तरफ जा रहा है क्या हो रहा है, रोटरी मोशन कन्वर्ट हो रहा है लीनियर मोशन में। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक मोशन, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या करते हैं, ये वर्क इज डीजल इंजन हाइड्रोलिक आर यूज इन हैवी इक्विपमेंट्स। तो इनका इस्तेमाल काफी हैवी इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का किया जाता है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, एक अन्य दृष्टिकोण से एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर होता है जहां इलेक्ट्रिक मोटर प्राइम मूवर रहता है लेकिन एक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को संचालित करने के लिए टॉर्क प्रदान करता है। ठीक है, तो जब एक्टिवेशन फोर्स को उसी के से उसी में से प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिस तरह से डीजल इंजन हाइड्रोलिक्स आमतौर पर भारी उपकरणों पर उपयोग किए जाते हैं, तो जैसे डीजल इंजन हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल भारी चीजों पर किया जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो अनदर अप्रोच इज एन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर वेयर द इलेक्ट्रिक मोटर रिमेन्स द प्राइम मूवर। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, एक क्या है जो प्रोवाइड कर रही है टॉर्क टू ऑपरेट हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, उससे क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल काफी बड़ी और हैवी चीजों में किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीनियर मोटर एक्चुएटर, लीनियर मोटर एक्चुएटर। तो रेखिक मोटर एक्चुएटर ये क्या होता है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेखिक यानी कि एक ही डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में। तो लीनियर मोटर डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर से थोड़े से अलग होते हैं, ये मत समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर की ही बात चल रही है, उससे थोड़े अलग होते हैं। इन दैट दे ऑपरेट ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द इलेक्ट्रिक रोटरी मोटर, तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं जिसपे एक इलेक्ट्रिक मोटर का रोटरी मोटर काम करती है। इनफैक्ट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इलेक्ट्रिक मोटर, इसको एज ए रोटरी मोटर, इसको एक रोटरी मोटर की तरह भी माना जा सकता है, किसको, लीनियर मोटर एक्चुएटर को। दस इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एब्सोल्यूट मोशन दे प्रोड्यूस अ लीनियर फोर्स अलोंग देयर लेंथ, बिकॉज लीनियर मोटर कॉज लेस फ्रिक्शनल लॉस देन अदर डिवाइसेस, सम लीनियर मोटर प्रोडक्ट्स कैन लास्ट अप टू 100 मिलियन साइकिल। तो ये कह रहा है ये अपनी लंबाई के साथ एक रेखिक बल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो एक लंबी आपने क्या किया कि आपने सपोज देखो आप यहां पे इसको घुमा रहे हो, तो ये अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये इसको धक्का भी मारेगा साथ साथ, तो ये क्या करते थे, इनमें फ्रिक्शन होने की संभावना बहुत कम रहती थी, फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होता था, इसलिए बहुत काफी लंबे समय तक भी चल पाते थे। तो कौन से एक्चुएटर्स हुए, लीनियर मोटर एक्चुएटर्स आपके हुए ये। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स, थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स ये कौन से, थर्मल मैग्नेटिक ऊर्जा को ठोस, अब देखो थर्मल पहले समझो थर्मल क्या है, तो थर्मल आपको क्या पता चल रहा है, हीट, गर्मी, तो कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हीट एनर्जी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब पढ़ो इसको, ठोस अवस्था पदार्थ में लागू करने वाले एक्चुएटर्स का उपयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, किया गया है। थर्मल एक्चुएटर्स को जूल प्रभाव के माध्यम से तापमान या ताप द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है और कॉम्पैक्ट, हल्के, किफायती और उच्च शक्ति धनत्व के साथ हो सकता है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, बस एक सेकंड रुकना, गला सूख जाता है बोलते बोलते। ओके, अब देखो जो थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स है, थर्मल यानी कि हीट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा रहा है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, चिपकाने वाला,
अब देखो थर्मल एक्चुएटर्स चूल विर्भाव के माध्यम से तापमान या ताप द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है। इसको ट्रिगर किससे कर सकते हैं, तापमान से, हीट से भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अब देखो इसको यहां से पढ़ो, एक्चुएटर अप्लाइंग थर्मोमैग्नेटिक एनर्जी टू सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, कमर्शियल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल एक्चुएटर्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय टेंपरेचर और हीटिंग थ्रू द जूल इफेक्ट। जूल इफेक्ट का तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जूल इफेक्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स में जूल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड कैन बी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, इकोनॉमिकल विद हाई पावर डेंसिटी। तो पावर डेंसिटी अच्छी है इनकी, लेकिन ये क्या है, लाइट वेट है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, तो ये चीजें इसमें होती हैं। दीज एक्चुएटर्स यूज शेप मेमोरी मटेरियल्स सच एज शेप मेमोरी अलॉयज। कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इस वजह से कभी कभी वीडियो रोकनी पड़ती है। बाहर आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे फूट रहे, तो अब वो चीज आपके अब पढ़ाई करते टाइम आपके माइंड में आएगी, तो वो चीज डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक मैंने छोटा सा वो स्टॉप लिया था। अब देखिए, दीज एक्चुएटर्स आर यूज शेप मेमोरी मटीरियल्स सच एज शेप मेमोरी अलॉयज। तो ये एक्चुएटर्स क्या करते हैं, शेप मेमोरी मटेरियल्स को यूज करते हैं। शेप मेमोरी मटेरियल्स कौन से होते हैं, जैसे शेप मेमोरी अलॉयज, मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉयज। अगर इनके बारे में नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं डिटेल्ड में भी एक वीडियो इन पे बना दूंगा, शेप मेमोरी अलॉयज पे और मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉयज पे। अभी ये ध्यान रखना कि कहीं लिखा हुआ है SMA की फुल फॉर्म क्या होती है या MSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने इसमें डाल दिया कि क्या है ये शेप मेमोरी अलॉयज है और ये मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉयज है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है ताकि ना आप बिल्कुल भी भूले ना, ठीक है। लास्ट एकदम आ जाता है हमारा कौन सा, मैकेनिकल एक्चुएटर्स। मैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स एक्ट टू परफॉर्म मोशन बाय कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मोशन सच एज रोटरी मोशन इनटू अनदर। तो मैकेनिकल मोशन क्या कर रहा है, ये एक तरह से एक तरह के मोशन को दूसरे तरह के मोशन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे रोटरी मोशन को कन्वर्ट कर दिया लीनियर में, ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे रोटरी मोशन को किसी और अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह में कौन से एक्चुएटर्स ऐसे काम करते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स सच एज लीनियर मोशन। देखो बोल दिया यहां पर लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रैक एंड पिनियन। द ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटर्स इज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स। तो देखो मैंने बता दिया था ये पहले कि जो मैकेनिकल एक्चुएटर्स है इनका जो मूवमेंट है, इनका जो मोशन है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है किसका, कॉम्पोनेंट्स का, वो किस प्रकार का है। जिस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बनाया है उसका, उसी प्रकार से वो मूवमेंट, वो मोशन आपको देगा, ठीक है। अब जैसे आपने गियर्स कैसे लगाए हैं, आपने रेल्स पुलीज कैसे लगाई है, चेन किस प्रकार लगाई हुई, जिस प्रकार से आप लगा देंगे उसी प्रकार से वो क्या है देगा, आपको मोशन देता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहीं पे इस जो हमारा लेक्चर है इसको एंड करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल एम्पॉली पर मिल जाएगी, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमसे कोई डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे कोई डाउट पूछ सकते हैं, Empoly01 हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस है। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर किया करिए, बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपका चाहिए, वो बनाए रखिए आप लोग, कमेंट किया करिए, लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।